हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, की डेट है 20 मई और सुबह सुबह का टाइम था जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। और ब्रेकफास्ट में आज बना था पोहा, और बहुत टेस्टी बनता है यार पोहा। मतलब जैसे मैं बनाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और वैसे भी महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ में पोहा तो फेमस ही है, पोहा तो हम लोग मतलब डेली ही खाते हैं। बट आजकल मैं पापड़ा वगैरह बना रही हूँ और उपमा वगैरह बीच बीच में बना रही हूँ उनके टिफ़िन के लिए, तो इसीलिए पोहा बहुत कम बन रहा है। नहीं तो पहले मेरे घर पर पोहा डेली बनता था, और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथों से बना हुआ पोहा। मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। एक्चुअली ये टिफ़िन में अलग लेके गए थे। एक्चुअली चना मैंने फ्राई करके दिया था इनको, भिगो के रखा था रात को, और वही बना के दिया था, तो वो लेके गए थे। और ये यहाँ पर हम लोगों के लिए बनाया है मैंने पोहा, क्योंकि पोहा अगर टिफ़िन में देते हैं ना तो इतना अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो क्या बोलते हैं, ऐसे गले में फंसता है ज़्यादा देर के बाद। ये गरम गरम ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने हमारे नाश्ते के लिए बनाया था, बच्चों के लिए, मेरे लिए और भाई के लिए। भाई आ गया था एक्चुअली उस दिन, वो गए थे भाभी के मायके में और भाभी वहाँ पर ही रुक गई है। बट ये आ गया था बच्चों से मिलने के लिए, क्योंकि बच्चे ना इतने ज़्यादा ज़िद करने लगते हैं ये आता है तो। उसको भी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे मेरे भाभी को के लिए, क्योंकि ना ये आता है तब उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को, और ऐसा लगता है उन्हें कि ये रुक जाए। बट क्या होता है कि वो बहुत कम दिनों के लिए आते हैं और उनको भी सबसे मिलना होता है। एक्चुअली मेरी भाभी के सारे रिलेटिव यहीं पे है, तो इसी वजह से उसको बहुत सारे घर में जाना होता है, तो इसी वजह से उसका टाइम ऐसे ही निकल जाता है। उसको भी टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिलता है उसकी फैमिली के साथ, तो इसीलिए वो वहीं पर रुक गई थी और ये आ गया था। तो यहाँ पर मैं आई हूँ बेडरूम में। एक्चुअली मैं करने वाली थी हेयर वॉश आज, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं हेयर वॉश करने से पहले हेयर ऑयलिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हेयर ऑयल, क्योंकि ये ना मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। मतलब लॉकडाउन से पहले मेरे पास ये आया था रिव्यू पर्पस के लिए, तो मैं उसी टाइम से यूज़ करने लगी थी, क्योंकि मुझे आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करना था। तो मैंने सोचा चलो इसको यूज़ करके देखते हैं, अगर पसंद आता है तो आपके साथ शेयर करूँगी। बट ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि आपको क्या बताऊँ। मतलब इसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग खुद ही बोल रहे हो मुझे कि इतने ज़्यादा शाइन कैसे कर रहे हैं आपके हेयर, और मतलब आपके हेयर में बहुत ज़्यादा शाइन आ रही है। तो यही इसकी वजह से ही है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। 8 दिन में एक बार तो यूज़ कर ही लेती हूँ इसे, अगर बीच में मुझे यूज़ करना हो तो मैं दूसरा ऑयल यूज़ करती हूँ, बट 8 दिन में एक बार तो इसे यूज़ कर ही लेती हूँ। और इससे ना डैंड्रफ आपका बहुत जल्दी जाता है, ख़त्म हो जाता है, और आपके हेयर ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। तो मुझे ना थोड़ा सा इससे जो भी इसके रिज़ल्ट है मुझे अच्छे दिखे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें बिल्कुल भी पैराबिन्स नहीं है, मिनरल ऑयल्स नहीं है, जो केमिकल आपके हेयर को मतलब डैमेज करते हैं वो केमिकल इसमें बिल्कुल ऐड नहीं है। इसी वजह से ये ना बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, तो आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो भी चीज़ें नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी होती है तो वो आपको आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपको वही यूज़ करनी चाहिए। तो ये है ओरिजिन्स का प्योर एंड नेचुरल रेड ऑनियन हेयर ऑयल। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने सोचा चलो इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है और हेयर फॉल को भी कम करता है, और आपके अगर बालों में जुए है उसे भी कम करता है, डैंड्रफ है उसे भी कम करता है। तो डैंड्रफ में तो ये बहुत ज़्यादा असरदार है, मैंने ये देखा है, क्योंकि मेरे सिर में डैंड्रफ बहुत जल्दी हो जाता है। और मैं इसे अप्लाई करती हूँ और उसके बाद हेयर वॉश करती हूँ ना, तो पूरा डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, डैंड्रफ के लिए तो बहुत ज़्यादा असर है, और हेयर ग्रोथ भी हो रही है, हेयर फॉल तो बिल्कुल ही कम हो गया है, हेयर फॉल तो हो ही नहीं रहा है मेरा। तो ये सारी चीज़ें, और मतलब जो में भी बहुत ज़्यादा असरदार है। और आप सभी को पता है ऑनियन जो होता है वो हेयर ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब उससे बाल बढ़ जाता है ऑनियन से। तो ये ऑनियन हेयर ऑयल जो है उसमें 25 से ज़्यादा हर्ब्स ऐड है, तो आप सोच लो कि कितना ज़्यादा अच्छा होगा ये ऑयल। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट मुझे, इसीलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इसमें बहुत सारे ऑयल ऐड है, जैसे कि ऑनियन एक्स्ट्रैक्ट, हेम्प सीड्स ऑयल, करी लीव्स एक्स्ट्रैक्ट, सनफ्लावर ऑयल, विटामिन ई, आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, रोज़ ऑयल, नीम ऑयल, और शिया बटर, सैंडलवुड ऑयल, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑयल, रोज हिप ऑयल, इतने सारे ऑयल इसमें ऐड है कि आपको क्या बताओ। विटग्राम ऑयल, मतलब गिनती नहीं हो रही इतने सारे ऑयल इसमें ऐड है। एलोवेरा, रोजमेरी ऑयल, लेवेंडर इसेंशियल ऑयल, बहुत सारे ऑयल है यार, गिनती नहीं हो रही है। तो 25 से ज़्यादा नेचुरल हर्ब्स इसमें ऐड है,
और आप सोच सकते हो कि आप एक एक ऑयल अगर आप परचेस करने जाते हो तो कितने महंगे आते हैं इसेंशियल ऑयल, और वो सारे इसेंशियल ऑयल के जो गुण है वो इसमें तो आप है। सोच सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा ये ऑयल। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया एक्चुअली, इसी वजह से मैंने सोचा चलो इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अभी ऑर्डर भी हो सकते हैं, तो पहले ऑर्डर नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से इसका रिज़ल्ट मैं काफ़ी दिनों से आपके साथ शेयर करने वाली थी, बट ये ना मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि अभी ऑर्डर नहीं हो रहा है, तो आप ऑर्डर कहाँ से करोगे, तो इसीलिए मैंने इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर नहीं किया। बट अभी सोचा कि कर ही रही हूँ मैं हेयर ऑयलिंग, तो आपके साथ इसका रिज़ल्ट भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, या आपके सिर में जुए है या डैंड्रफ है, इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इसका रिज़ल्ट शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने नहा लिया है और उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ ये क्या बोलते हैं सीरम, और ये वाला सीरम ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म ही हो गया है, तो अभी मुझे न्यू परचेस करना होगा इसका इसको। और ये क्या बोलते हैं स्मूदनिंग के लिए जो स्पेशल आता है वो वाला है। तो एक्चुअली मैंने अपने स्मूदनिंग के जो शैम्पू और क्या बोलते हैं मास्क और सीरम आपके साथ पहले भी शेयर किया है, तो मैं मुझे नहीं लगता कि अभी आपके साथ शेयर किया जाए। तो यही है मेरा हेयर केयर रूटीन, आप देख सकते हो, और इसके बाद का रिज़ल्ट आप देख लेना, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। और हमेशा मैं जब भी ये करती हूँ, मतलब जब भी हेयर वॉश करती हूँ और इसके बाद, आप लोगों को मेरे हेयर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि जो हेयर केयर है मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसी वजह से मेरे जो हेयर है बहुत शाइन करते हैं और बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। तो इसके बाद हेयर सीरम लगाना है, और उसके बाद वेट ही बालों में आपको कंघी करनी है, उससे आपके जो गाँठें हैं वो निकल जाएगी, और वो सीरम की वजह से इजीली निकल जाती है। और उसके बाद आपको उसे ड्राई करना है हेयर को आपके, तो वो बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाता है इसी की वजह से। और जब भी आप सीरम अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा वेट बालों में ही आप सीरम अप्लाई करो, मतलब टॉवल ड्राई करो बालों को और उसके बाद सीरम अप्लाई करो, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और हाँ, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं जैसे कि हेयर फॉल होना, हेयर ग्रोथ ना होना, या डैंड्रफ की प्रॉब्लम होना, तो इस तरह के अगर आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप इस ऑयल को यूज़ करके देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इसका, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको परचेस करना है ये ऑरिजिन्स का रेड ऑनियन ऑयल, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे पहुँच जाओगे और आप इसे परचेस कर सकते हो। इस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो आप इसे अच्छे खासे डिस्काउंट में परचेस कर सकते हो। चलिए फिर, यहाँ पर रेडी हो रही हूँ, रेडी होने के बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस, अभी बज रहा है 7:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ, और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा शाइन कर रहा है। इसी तरह से मुझे ना हेयर वॉश करने के बाद के हेयर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसीलिए कि बहुत शाइन करते हैं और सिल्की भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं इसे ना कुछ भी हेयर स्टाइल नहीं करूँगी, ऐसे ही खुले छोड़ूंगे, क्योंकि वेट है ये, इसी वजह से अभी बाल सूखे नहीं है, बट जल्दी सूख जाएंगे। जब तक मैं थोड़ा सा किचन में काम करूँगी तब तक जल्दी सूख जाएंगे, और बिल्कुल टाइम का पता नहीं चल रहा है यार, आजकल ना ऐसे हो रहा है कि बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चल रहा है, सुबह से टाइम कैसे निकल जा रहा है। लॉकडाउन में बिल्कुल मुझे पता नहीं चला, इतने दिनों के मतलब 2 महीने का लॉकडाउन था, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए होंगे अभी, तो फिर भी मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कैसे दिन निकल गए इतने सारे। और मैंने अभी इनसे बात भी की, अभी शाम में हम लोग बाहर बैठे थे चाय लेते हुए, इनसे बोल भी रही थी कि मैंने कितने दिनों से जो बाहर पहनने की चप्पल होती है वो पहनी नहीं है, और ये भी बोल रही थी कि अरे हाँ यार, मतलब आप तो गेट के बाहर भी नहीं गई, तो वही सोच रही थी कि मैं यार इतने दिनों से मैं बाहर नहीं गई हूँ, गेट के बाहर भी नहीं निकली हूँ, तो यही बोल रहे थे कि यार आप तो घर पर भी रह सकती हो, मतलब आपको इतना टेंशन नहीं है, आप रह सकती हो, इसका मतलब आप घर पर रह सकती हो। मुझे भी पता नहीं चला कि इतने दिन कैसे निकल गए लॉकडाउन के, अभी भी लॉकडाउन बढ़ रहा है, पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा, बट चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों के भी ऐसे ही जा रहे हैं क्या दिन, मुझे ज़रूर बताना। आप लोग बोर हो रहे हो या मेरी तरह से टाइम पास हो रहा है आपका, ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। चलिए अभी किचन में चलते हैं, और आज मैं बनाने वाली हूँ चीज़ सैंडविच, तो चलिए उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो किचन में चलते हैं, किचन में जाके मिलती हूँ आपसे। And it's all you need.
तो गाइज यहाँ पर हो रही है सैंडविच के स्टफिंग की तैयारी, और यहाँ पर मैं जो आलू बॉईल किए थे मैंने वो स्मैश कर रही हूँ। एक्चुअली ये वाला स्मैशर है मेरे पास, वो वाला दूसरा स्टील का स्मैशर चाहिए था, तो ये वाला रोटी के स्मैशर से ही मैं स्मैश करती हूँ। एक्चुअली ये ना रोटी सेकने वाला है, तो मैं उसे ही से ही स्मैश कर लेती हूँ, मुझे लेना पड़ेगा वो, बट अभी कहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें काट के रखी है, जैसे कि मैंने उसमें प्याज काटा है, बारीक बारीक चॉप करके प्याज डाला है, और फिर कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च डाली है बारीक बारीक चॉप की हुई, उसके बाद खीरा डाला है बारीक चॉप करके, और टोमेटो बारीक चॉप किया हुआ डाला है, उसके बाद धनिया पत्ता ऐड किया है, और ये आलू स्मैश करके उसमें ऐड किया है, और क्या हरी मिर्च ऐड की है, तो हरी मिर्च मैंने 2 ली थी, और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। और उसमें मैंने नमक ऐड कर रही हूँ मैं, आप चाहो तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने चाट मसाला ऐड नहीं किया था, मेरे यहाँ का ख़त्म हो गया था, बस इसमें नमक ऐड कर दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसे ना आप हाथों से ही मिक्स कर लीजिए, क्योंकि हाथों से मिक्स किया हुआ इतना अच्छा मिक्स होता है ना कि आपको क्या बताओ, स्पून से अगर आप मिक्स करोगे ना तो इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो इसी वजह से आप हाथों का यूज़ करो, इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा बट ये ना बहुत अच्छे से मिक्स होता है हाथों से अगर मिक्स करते हो। और उसके बाद जो आप लगाते हो ना ब्रेड के ऊपर, तो उसके बाद वो बहुत अच्छे से लगता है, तो हाथों से मिक्स करना बढ़िया रहेगा। तो मैं यहाँ पर हाथों से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्राउन ब्रेड। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड है तो आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपके पास अगर ब्राउन ब्रेड नहीं है तो आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। दो चीज़ों में ये बहुत टेस्टी लगेगा सैंडविच, और बहुत ज़्यादा यम्मी बना था यार। सभी के मुँह से एक ही बात निकली थी कि बाहर जैसे बना है, बाहर जैसा बना है, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन ब्रेड, मैंने लिए है 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस, और उसके ऊपर मैं ये स्टफिंग ऐड करूँगी, अच्छे से स्प्रेड करनी है, पतली वाली मतलब पतली से स्प्रेड करनी है आपको ये स्टफिंग, इसमें दोनों साइड से, मतलब एक साइड से ही ऐड नहीं करना है आपको, दोनों साइड से ये स्टफिंग ऐड करनी है आपको, पतली पतली लेयर लगानी है ऊपर से, और उसके बाद आपको उस पर चीज़ का जो है क्या बोलते हैं ग्रेट करके डालना है। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बट हमें चीज़ स्लाइस नहीं मिले थे, तो एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग की बात हो रही है, अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो इसी वजह से जो मिल रहा है उसी में काम चलाना पड़ रहा है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसीलिए अभी चीज़ स्लाइस तो नहीं मिल रहा है, तो चीज़ क्यूब जो है वही मिले हैं, तो चीज़ क्यूब से ही काम चलाना पड़ेगा, तो उसे ग्रेट करके भी डाल सकते हो, आपके पास जो ऑप्शन है वो आप कर सकते हो। और इसमें अगर आप सब्जियां बढ़ा सकते हो, मतलब आपकी पसंद की सब्जियां भी बढ़ा सकते हो, इसमें आपको जो चाहिए वो सब्जियाँ ऐड कर सकते हो इसमें। तो ये मैंने पहले स्टफिंग भर ली, दोनों साइड से स्टफिंग कर ली, और उसके बाद मैं उसमें ऐड कर रही हूँ ये पनीर। तो पनीर ग्रेट किया हुआ था मेरे पास, उस दिन मैंने नरगिसी कोफ्ता बनाया था, तो पनीर काफ़ी सारा ग्रेट करके रखा था, तो वो पनीर ग्रेट किया हुआ ही था, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद ये मैं अमूल का चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो ये क्यूब वाला है, तो कोई बात नहीं, अगर स्लाइस होते तो बहुत बढ़िया होता, भी काम चल जाएगा। क्यूब आपको ऐसे ही ग्रेट करके क्या बोलते हैं इस पर स्प्रेड करना है, और उसके बाद जो दूसरा वाला है तो उसके ऊपर रख देना है, और आपको तवे पे सेकना है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं है तो इससे तवे पर भी सेक सकते हो, बट तवे पर सेका हुआ बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सैंडविच मेकर ही होना चाहिए सैंडविच बनाने के लिए, तो तवे पर भी सेका हुआ बहुत अच्छा लगता है, तो आपको तवे पर सेकने से भी वैसी ही फीलिंग आएगी जैसे सैंडविच मेकर में आती है, उल्टा उससे तो ज़्यादा मुझे लगता है कि तवे पर सेकने से बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने तवा गरम करके के लिए रख दिया है, और उस पर थोड़ा सा ऑयल या बटर ऐड करना है, तो वो तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, घी भी ऐड कर सकते हो, घी में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है। तो कभी कभी होता है ज़्यादा मतलब चीज़ें हो जाती है, तो वो पनीर भी हो गया था, चीज़ भी हो गया था, तो मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है, तो ऑयल में अच्छे से मतलब लो फ्लेम पर इसे सेकना है आपको, नहीं तो ब्रेड जल जाएगा। और ये ब्राउन ब्रेड है इसीलिए आपको लग रहा होगा कि ये जल गया है, बट ये जला नहीं था एक्चुअली। इसे ना लो फ्लेम पे अगर सेकोगे ना तो अंदर से भी ये अच्छे से सेकेगा और बाहर से भी ये क्रिस्पी बनेगा, तो इसीलिए लो फ्लेम पे ही सेकना है आपको इसे, और अंदर से भी जो हमने सब्जियाँ उसमें क्या बोलते हैं स्टफ की है तो वो भी अच्छे से सेकेगी, मतलब अच्छे से पकेगी, और जो हमने चीज़ ऐड किया है वो भी अच्छे से मेल्ट होगा अगर आप इसे लो फ्लेम पे सेकोगे। और आप देख सकते
सकते हो अंदर से कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और सारी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है इसमें। तो इस तरह से बनेगा ये और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है यार, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। मतलब सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे कि यार बाहर जैसा ही बनाया है और बिल्कुल बाहर जैसी टेस्ट लग रही थी इसकी। एक्चुअली माही का ऐसा है ना कि माही बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं खाती है, मतलब सब्जी वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाती है ये। कैप्सिकम तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, टोमेटो निकाल के रख देती है सब्जियों में से, ऑनियन निकाल के रख देती है, तो ऐसे सारा कुछ निकाल के रख देती है, इसी वजह से इतनी ज़्यादा पतली है ये। तो सारी चीज़ें निकाल के रख देती है, बट ना ऐसी चीज़ों में डाला हुआ सारी चीज़ें ये खा ले रही थी, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और ऐसी चीज़ों में ना मैं इसी वजह से सभी चीज़ें डालती हूँ, मतलब सैंडविच में, कि वो खा लेती है आराम से और उसको पसंद आता है। तो इसीलिए जो चीज़ें उसको पसंद नहीं है ना, तो अगर मुझे खिलानी हो तो ऐसे सैंडविच में डाल के खिलाती हूँ मैं उसे, नहीं तो फिर वो वैसे तो बिल्कुल नहीं खाती है कुछ भी। तो इसी तरह से आप अगर बच्चों को आपके पसंद नहीं है तो आप इसमें डाल के सारी चीज़ें खिला सकते हो। और क्या आप भी ऐसे मेरी तरह करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी ज़रूर बताना मुझे कि आपकी भी ड्यूटी ऐसी ही लगी है क्या जैसे मेरी लगी है। मतलब जो भी चीज़ें मैं खाने के लिए देती हूँ उससे पहले मुझे सैनिटाइज़र देना पड़ता है हाथों में सबके, और उसके बाद फिर सबको खाने के लिए देना पड़ता है। तो सभी के घर में ऐसा हो ही रहा होगा, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, इतना हैंड वॉश कर लेते थे और उसके बाद वो इतना वो नहीं था कि यार सारी चीज़ें एक एक चीज़ें मुँह को हाथ लगाने से पहले सैनिटाइज़ करो, मतलब क्या बोलते हैं कुछ खाने से पहले सैनिटाइज़ करो। बट ऐसे आदत हो गई है अभी सारी चीज़ों की, मतलब कोई भी चीज़ खाने से पहले या किसी भी को भी टच करने से पहले सैनिटाइज़ कर लेते हैं हाथों को और उसके बाद ही खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो ही रही है सबके घर में। और उसके बाद आज बना था डिनर में चिकन। एक्चुअली चिकन मेरे घर में सभी का फेवरेट है, तो डिनर में बहुत ही यम्मी सा डिनर बना था, चिकन, जीरा राइस और रोटी। तो सभी को मेरे घर में चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, और वैसे भी भाई आया था तो चिकन बनना ही था। और आज का जो डिनर है वो भी बहुत ज़्यादा यम्मी बना था, और सैंडविच तो यम्मी बना ही था। तो एक बार सैंडविच ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अभी डिनर कर लेते हैं और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस डिनर हो गया है और ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। तो ब्लॉग को एंड करने से पहले किसी का बर्थडे है तो बर्थडे विश कर देती हूँ। तो हैप्पी बर्थडे मोहम्मद इरफान जी, और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में, और बर्थडे के दिन आप जो चाहो वो मिल जाए आपको, तो यही विश करूंगी आपके लिए। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दिया करो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, वीडियो रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।